स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने किसी को कुछ पैसे उधार दिए हैं और फिर जब आप उस व्यक्ति से अपने ही दिए हुए पैसे आप वापस मांगते हैं तो वो व्यक्ति आपको आपके पैसे देने से इनकार कर देता है, वो मना कर देता है और वो आपके पैसे नहीं देता। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? जब भी हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हम देखते हैं कि बैंक हमसे किसी भी तरह की कोई गारंटी मांगती है या फिर हमारे कुछ प्रॉपर्टीज़ के पेपर रख लेती है या इस तरह के बहुत सारे बैंक के बहुत सारे रूल रेगुलेशन जो कि फॉलो करने पड़ते हैं। लेकिन जब आपसे कोई भी आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड या आपका कोई भी जानने वाला आपसे अगर पैसे मांगता है तो आप उसे पैसे दो तरीके से देते हैं, या तो आप उसे बिना किसी भी पेपर पे साइन करवाए हुए आप उसे पैसे दे देते हैं, और या फिर आप उस व्यक्ति से स्टैम्प पेपर या सादे पेपर पर आप साइन करवाते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति को आप पैसे देते हैं। कई बार हम ये भी देखते हैं कि आपने किसी व्यक्ति से स्टैम्प पेपर पर साइन करवाया है और या आपने सादे कागज़ पर उससे साइन करवाया है और उसके बाद फिर आपने पैसा दिया। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जब आप उस व्यक्ति से अपने पैसे मांगते हैं तो वो व्यक्ति आपको आपके ही पैसे देने से इनकार कर देता है। ऐसे स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से केस कर सकते हैं, आप उनके ऊपर सिविल केस करेंगे या क्रिमिनल केस करेंगे, इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में दी जाएगी। आप अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही साधारण होती हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी दिक्कतें होती हैं, इसलिए फिर आप अगर इसे शेयर करते हैं तो उससे हो सकता है कि कई लोग ऐसे हों जिनका कि उन्हें मांगने पर पैसे न मिल रहे हों, उन्हें ये समझ में आ जाए कि उन्हें अपने पैसों की रिकवरी कैसे करवानी है। अब चलिए हम बात करते हैं कि अगर आपने अपने किसी रिलेटिव को, अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी जानने वाले को आपने पैसे दिए हैं और आपने उससे सादे पेपर पर साइन करवाया है, आपने साइन करवाया है सादे पेपर पर, तो ऐसी स्थिति में भी चूंकि आपने साइन करवा करके पैसे दिए हैं तो ऐसी स्थिति में भी ये आप दोनों के बीच एक समझौता माना जाएगा। और ऐसे में अगर वो व्यक्ति आपके पैसे आपके मांगने पर नहीं देता है, इनकार कर देता है या इस बात से मुकर जाता है कि उसने आपसे पैसे लिए हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति के ऊपर सिविल कोर्ट में केस कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में जो आप केस करेंगे वो आप करेंगे जो आपने एग्रीमेंट किया था, लोन एग्रीमेंट जो आपने किया था उसको मानने के लिए कि वो उस एग्रीमेंट को मान ले, और या तो फिर आप चाहें तो आप अपने पैसों की रिकवरी के लिए भी केस कर सकते हैं। ये जो आप केस करते हैं वो पूरी तरीके से सिविल केस माना जाता है और आप ये सिविल कोर्ट में ही करेंगे। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि आपने जो पैसे दिए वो आपने बिना किसी भी लिखा पढ़ी के दे दिए हैं, मतलब आपने किसी भी तरह की कोई भी लिखा पढ़ी नहीं की, किसी भी कागज़ पर साइन नहीं करवाया और आपने उस व्यक्ति को पैसे दे दिए उसके मांगने पर, अब वो व्यक्ति इस बात से ही इनकार कर देता है कि उसने आपको पैसे दिए हैं, उसने आपसे पैसे लिए हैं, या फिर वो व्यक्ति आपको आपके पैसे लौटाने से इनकार कर देता है या टाल मटोल करता रहता है, हमेशा आपसे ये कहता है कि वो एक महीने में आपके पैसे लौटा देगा, दो महीने में आपके पैसे लौटा देगा। तो ऐसी स्थिति में आपके पास ये अधिकार है कि आप पुलिस स्टेशन में जा कर के, आपके नज़दीक में जो भी पुलिस स्टेशन हो आप वहाँ पर जाइए और जा कर के आप वहाँ एप्लीकेशन दीजिए, इस बात का एप्लीकेशन दीजिए कि आपने फला व्यक्ति को इतने रुपए दिए थे, इस समय पर दिए थे, लेकिन आपने बिना किसी भी समझौते के दिए थे, मतलब किसी भी तरह की कोई लिखा पढ़ी नहीं की गई थी। साथ ही में अगर आपके पास उससे रिलेटेड कोई भी सबूत है, जैसे कि अमाउंट बड़ा था और आपने उसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था या आपने किसी और व्यक्ति के सामने उसे पैसे दिए थे और वो व्यक्ति आपके जब बुलाने पर वो आ जाएगा, गवाही देने को भी तैयार हो सकता है, तो ऐसे व्यक्ति का आप नाम लिखवा सकते हैं कि उस व्यक्ति के सामने हमने पैसे दिए थे, या आपके पास इससे संबंधित कोई भी सबूत है तो आप उसको उस एप्लीकेशन में उस बात का जिक्र कर दीजिए।
इस तरीके से जब आप एप्लीकेशन देते हैं पुलिस स्टेशन में जा कर के, तो ये मामला आपका बन जाता है आपराधिक मामला। थाने में चिटिंग या धोखाधड़ी का केस कर सकते हैं आप कि उस व्यक्ति ने आपके साथ कोई चिटिंग की है या धोखा दिया है। तो इस तरीके से आपका ये केस पूरा बनता है क्रिमिनल केस की तरह बन जाएगा। और चूंकि ये क्रिमिनल केस हो गया तो इसमें सारी चीज़ें, सारे जो प्रोसीजर होते हैं, सारी जो प्रक्रियाएं होती हैं, वो एक आपराधिक मामले की तरह ही चलती हैं। जैसे कि इस मामले में जब आप जाकर के एप्लीकेशन देते हैं तो पुलिस जांच पड़ताल करेगी। जांच पड़ताल के बाद अगर पुलिस पाती है कि मामला सही है तो ऐसे में पुलिस फिर चार्जशीट लगाती है। चार्जशीट लगाने के बाद कोर्ट में उसे दायर करती है और कोर्ट में दायर करने के बाद फिर केस क्रिमिनल केस की तरह चलता है। ऐसी स्थिति में कई बार आप ये भी कर सकते हैं कि आप पुलिस थाने में जा करके रिपोर्ट न करके आप कोर्ट में भी कंप्लेन कर सकते हैं 156(3) में। अगर आपका आपकी जो एप्लीकेशन है वो अगर थाने में नहीं ली जा रही है, जैसे हम बहुत बार हमें ये भी सुनने में आता है कि कितने लोग ये बताते हैं कि जब थाने पर जाते हैं किसी भी तरह की कोई कंप्लेन दर्ज कराने के लिए तो पुलिस वाले उनकी कंप्लेन को नहीं सुनते हैं। ऐसे में आपके पास ये अधिकार है कि आप अगर आपकी थाने पर कंप्लेन नहीं सुनी जा रही, अगर आपके मामले की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आप SP ऑफिस में जाइए, वहाँ पर आप जाकर के एप्लीकेशन दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि वहाँ भी नहीं कुछ सुना जा रहा है, वहाँ से भी आपका कुछ भी मामला आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप सीधे आप कोर्ट में भी कंप्लेन कर सकते हैं। ये भी आपको अधिकार दिया गया है। तो ऐसा नहीं कि कहीं भी आपके अधिकार सीमित हो जाते हैं, आपके पास अधिकार हैं, बस आपको आपको पता नहीं होते कि आपको किस तरीके से अपने अधिकारों का प्रयोग करना है। तो फिर जब आप देते हैं एप्लीकेशन, जब आप देते हैं चीटिंग का या धोखाधड़ी का, तो ये मामला बन जाता है कंप्लेन केस। जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो वहाँ पर अगर आपका आपके द्वारा जो दिया गया एप्लीकेशन, जो आपके द्वारा जो कंप्लेन की गई है, वो अगर सही पाई जाती है तो ऐसे व्यक्ति को सजा भी मिल जाती है और साथ ही साथ आपके पैसे को भी वापस करने का आदेश दिया जाता है। और अधिकतर करके हम ऐसे मामलों में ये देखते हैं कि जब ये पता चलता है अगली पार्टी को, अपोजिट पार्टी जो है जिसके खिलाफ आपने एप्लीकेशन डाला है, उसे जब इस बात का पता चलता है कि आपने केस कर दिया है, आपने क्रिमिनल केस दर्ज कराया है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति आपका पैसा आपको वापस करने के लिए राजी हो जाता है समझौते के आधार पर। मतलब आपने केस तो कर दिया है, आपका केस कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन उस व्यक्ति को इस बात की जानकारी हो गई है। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति ये चाहता है कि वो कोर्ट के झमेलों से बच जाए और उसे सजा ना हो। अगर वो गलत है तो वो हमेशा ये चाहेगा कि उसे किसी भी तरह की सजा ना हो। तो ऐसी स्थिति में अधिकतर करके हम ये देखते हैं कि मामला जो होता है वो समझौते के आधार पर ही ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो जाता है और समझौता करके वो व्यक्ति आपका पैसा लौटा देता है। यहाँ पर एक बात आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान देने वाली है, कि अगर ऐसी स्थिति बनती है और अगला पक्ष आपसे समझौते के लिए कहता है कि आप समझौता कर लीजिए और हम आपका पैसा देने के लिए तैयार हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जब भी समझौता करिए तो वो पूरा लिखित रूप में करिए और स्टैम्प पेपर पर करिए और उस पर मोहर वगैरह सब लगी होनी चाहिए, जिससे जो आपका जो समझौता हो और उसमें सारी शर्तें वगैरह लिखी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपसे पैसा वापस करने को कहे, वो आपसे ये कहता है कि जैसे कि उसने आपसे 10 लाख रुपए लिया है और आपसे वो कहता है कि वो आपको 2-2 लाख रुपए करके लौटा देगा और पहली किस्त वो आपको लौटा भी देता है 2 लाख रुपए की। अब आपके बीच में समझौता हो गया, उसने आपको एक किस्त वापस कर दी, इसके बाद आपको ये लगता है कि अब वो आपके पूरे पैसे लौटा देगा और आप अपना जो आपने केस लिया है किया था वो आप उसको रद्द करवा देते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करिए। अगर इस तरह का कोई भी समझौता होता है तो आप केस तभी वापस लीजिए जब आपके पूरे पैसे आपको मिल जाते हैं। जब आपके बीच में समझौता हो जाता है तो इसके बाद फिर आपको कोर्ट में एक कॉम्प्रोमाइज पिटीशन देना पड़ता है, जिसके माध्यम से कोर्ट ये समझ जाती है कि आप दोनों के बीच में समझौता हो गया है और समझौते के माध्यम से ये केस खत्म हो चुका है, तो वहाँ से केस को ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन आप ये काम तभी करिए, आप कॉम्प्रोमाइज पिटीशन तभी डालिए जब आपको आपके पूरे पैसे वापस मिल गए हों और साथ ही साथ आप इसके ये भी जो आप समझौता करिए वो भी आप पूरे लिखित रूप में करिए। तो कहीं भी आप किसी भी तरीके की लापरवाही मत करिए। सबसे बड़ी बात है, अगर आप किसी को कुछ भी पैसे देते हैं जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, आपके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि कौन सा अमाउंट किसके लिए बड़ा होगा ये कहा जाना बहुत मुश्किल है। तो जो अमाउंट आपके लिए बहुत बड़ा है, आप उतने पैसे अगर किसी भी व्यक्ति को देते हैं तो उससे जो आप लिखित में लेते हैं वो आप स्टैम्प पेपर पर लीजिए और साथ ही साथ उस
उससे इस बात की भी गारंटी लीजिए कि वो आपके पैसे कितने दिन में वो लौटा देगा। और अगर वो आपके पैसे इतने दिनों में नहीं लौटाता है तो आप उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने पेपर पर लिखवा लीजिए और उससे इसके साइन वगैरह करवा लीजिए। तो जो भी काम करिए उसको आप सचेत होकर के करिए, क्योंकि पैसे रुपए के मामले बहुत ही ख़राब होते हैं, तो ऐसे मामलों से थोड़ा सा बच के रहिए। अगर आपको इससे संबंधित कोई और भी जानकारी चाहिए आपको, या आपको अपने किसी भी केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप वीडियो पर कमेंट में आप पूछ सकते हैं। या आपको अपने किसी मामले में कोई सलाह चाहिए, पारिवारिक मामला कोई है और आपको उससे संबंधित कोई सलाह चाहिए, आप उसके लिए बात करना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप पेमेंट की लिंक ले सकते हैं, और उस पर पेमेंट करने के बाद आप SS भेजेंगे। SS भेजने के बाद आपको कॉल की टाइमिंग बता दी जाएगी, उस टाइम पर आपके पास कॉल जाएगी और आपकी हमसे बात हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।